हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था कि माउथ जो होता है वो फूड को इंजेस्ट करने में, यानी हम लोग माउथ के थ्रू फूड को अंदर लेते हैं। जहाँ पर टंग होती है, टीथ होती है और सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये सब मिल करके क्या करते हैं, फूड को ब्रेक करने में, उसको च्यूइंग करने में, चबाने में, मैस्टिकेशन यानी फूड को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और सलाइवा जो लार होती है वो क्या करता है, हमारे फूड को मुलायम बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे माउथ में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। आज हम लोग बात करते हैं टीथ की। आवर टीथ कट टीयर एंड ग्राइंड द फूड बिफोर वी सॉलो इट, या सॉलो मतलब निगलने, फूड को निगलने से पहले हमारा जो टीथ होता है वो खाने को कट करता है। टीयर यानी चीड़ फाड़ के, जैसे कार्निवोर्स खाते हैं। ग्राइंड यानी पीसता है, ठीक है। देर आर फोर टाइप ऑफ टीथ इन आवर माउथ, हमारे माउथ में चार तरह के टीथ होते हैं। एक तो इंसीजर होता है, इंसीजर कौन सा होता है, जो आगे की तरफ का हमारा दांत है, ठीक है, फ्लैट चपटा सा आगे की तरफ, शीजल शेप छेनी की तरह होता है। दे लाई इन फ्रंट इन आवर माउथ, एकदम सामने की तरफ होता है और टोटल एट होते हैं, यानी चार ऊपर की तरफ, अपर जो यानी ऊपर का जबड़ा और चार नीचे के जबड़े की तरफ होते हैं, ठीक है। द इंसीजर टीथ का काम क्या होता है, कटिंग कट करने में और बाइटिंग करने में, फूड को काटने में इसका हेल्प करता है ऑन इंसीजर। नेक्स्ट है केनाइन, केनाइन कौन सा होता है, जो शार्प नुकीली टीथ होते हैं ना, किनारे किनारे पाए जाते हैं। दे आर राउंड शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, कैसे होते हैं, पॉइंटेड यानी नुकीले होते हैं, राउंड होते हैं, शार्प होते हैं। केनाइन का काम क्या होता है, ये खाने को टीयर करने में काम करता है, जैसे रोटी होता है ना हम लोग ऐसे नोच के खाते हैं, टीयर फाड़ने में काम करता है। देयर आर फोर केनाइन्स फाउंड इन ह्यूमन, ह्यूमन में कितने केनाइन्स होते हैं, चार, दो ऊपर की तरफ, दो नीचे की तरफ, ठीक है, यानी दो अपर जॉज में, दो लोअर जॉज में। नेक्स्ट प्री मोलर, मोलर पीछे की तरफ जो चौवर्लक दांत होते हैं उनको प्री मोलर कहते हैं। दो प्रीमोलर होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ ईच जॉ, यानी दो ऊपर की तरफ, दो नीचे की तरफ, ठीक है। प्रीमोलर का काम क्या होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, फूड को पीसना और मिक्स करना, ठीक है। देयर आर टोटल एट प्रीमोलर, टोटल कितने होते हैं, एट होते हैं, चार नीचे की तरफ और चार ऊपर की जॉज में, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिख रहा है इंसीजर सामने वाला, केनाइन, मोलर ये चौवर्लक मोलर और प्री मोलर ये पीछे की तरफ वाले दांत होते हैं, ठीक है। मोलर क्या होता है, देयर आर टू मोलर ऑन बोथ साइड इन बोथ जॉज, दोनों जॉज में हमारे दो दो मोलर्स होते हैं। दे हैव ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लैट चपटे होते हैं ये, ठीक है। दीज टीथ आर मीन्ट फॉर ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, और ये जो दांत होते हैं खाने को एकदम पीस करके महीन कर देते हैं। देयर आर टोटल 12 मोलर टीथ इंक्लूडिंग विजडम टीथ इन एन एडल्ट, और टोटल कितने दांत होते हैं, 12 दांत होते हैं ह्यूमन में। द फोर टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड विजडम टीथ, तो जो चार टीथ होते हैं वो और क्या कहलाते हैं, विजडम टीथ भी कहलाते हैं। विजडम टीथ यूजुअली ग्रो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 12, और विजडम टीथ जो होते हैं वो 18 से 21 साल में ग्रो करते हैं, ठीक है। द टूथ कवर्ड वाइल आर वाइट सब्सटेंस कॉल्ड, हमारा जो दांत बाहर की तरफ वाइट कवरिंग से कवर होता है उसको एनेमल कहते हैं, और एनेमल जो होता है वो हमारे टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट टंग की बात करें तो टंग मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन क्यों है, मसल से बनी होती है, ठीक है। टंग हेल्प टू मिक्स इन सलाइवा इन द फूड, और टंग्स क्या करती है, सलाइवा यानी लार को हमारे खाने में मिक्स करने में हेल्प करती है। इट आल्सो हेल्प टू पुश फूड डाउन फूड पाइप ओएसोफेगस, और साथ ही साथ ये फूड को नीचे ओएसोफेगस में भी ले जाने में हेल्प करती है, नीचे अंदर की तरफ होती है ना ओएसोफेगस, उस दिन हमने डायग्राम में दिखाया था। टेस्ट रिसेप्टर आर
प्रेजेंट इन टंग, और टंग में क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो अलग अलग टेस्ट का अनुभव कराता है, ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट। जैसे दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में, देखिए ये बिटर, यहाँ पर हमको कड़वे का टेस्ट आता है, साइड में सोर यानी खट्टी चीज़ों का टेस्ट आता है, सॉल्टी चीज़ों का टेस्ट यहाँ पर आता है, और स्वीट हमको मीठा इस जगह पर लगता है, ठीक है। तो टंग में कई सारी टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जो कि हमको टेस्ट का सेंस कराती हैं। नेक्स्ट, हमारी माउथ में सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है, हमने बताया था तीन तरह की सलेवरी ग्लैंड होती है ना, तीन पाई जाती हैं, ठीक है, तीन जोड़ी। फंक्शन क्या होता है सलेवरी ग्लैंड का, सलाइवा सिक्रेट करना। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा जो है वो फूड को मॉइस्ट करता है, नमी देता है, साथ ही साथ सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है जिससे डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। इट एडजस्ट सॉल्ट एपेटाइट, और साथ ही साथ ये सॉल्ट को भी एडजस्ट करता है, और जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब फूड को निगलना। स्वेलिंग इज द कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ टंग सॉफ्ट पैलेट। पैलेट मतलब क्या होता है, तालू, जो पीछे की तरफ हमारा सॉफ्ट तालू होता है, फेरिंग्स अंदर की तरफ जो खुली हुई गुहा है, एसोफेगस, ठीक है, ये सब मिल करके टंग सॉफ्ट पैलेट फेरिंग्स और एसोफेगस मिल करके फूड को स्वेलिंग करने में यानी निगलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फेजेस क्या होती है, फूड इज पुश्ड इनटू फेरिंग्स बाय टंग। फूड जो है फेरिंग्स में किसके थ्रू जाता है, पीछे की तरफ, टंग के थ्रू भेजा जाता है। टंग ब्लॉक द माउथ, सॉफ्ट पैलेट को, और जो सॉफ्ट पैलेट होते हैं वो नोज़ को बंद कर लेते हैं ताकि खाना नाक में ना फंसे। अंदर जो होता है एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है, ट्रैकिया में पाया जाता है, वो क्या करता है, ट्रैकिया के पास पाया जाता है, वो ट्रैकिया जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि खाना जो है वो हमारे लंग्स में ना जाए, सीधा स्टोमक में जाए। यहाँ पर देखिए बकल फेज में खाना, ये येलो येलो दिख रहा है ना, येलो कलर का, ये यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बोलस। बोलस क्या होता है, जब खाने में लार मिल जाती है और गीला गीला हो जाता है उसको बोलस कहते हैं, ठीक है। किस तरह से पीछे एपिग्लॉटिस में उतारा जा रहा है, फेरिंग्स में उतारा जा रहा है, और यहाँ पर देखिए एपिग्लॉटिस ने ट्रैकिया को, सॉरी, एपिग्लॉटिस ने ट्रैकिया को यहाँ पर देखिए बंद कर लिया है ना, ताकि खाना जो है वो लंग्स में ना जाए। फिर फूड आगे की तरफ बढ़ रहा है, फेरेंगियल फेज स्टार्ट हो गई है, अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, जो ओएसोफेगस यहाँ पर माउथ से होती, यहाँ पर फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के पास ही ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया को एपिग्लॉटिस बंद कर लेता है, ठीक है। अब फूड यहाँ से होते हुए जा रहा है नीचे, यहाँ पर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब जैसे यहाँ फूड आया तो ये वाला पार्ट जो है वो स्वेलन हो जाएगा, ठीक है, ये पुश करेगा नीचे फूड के वो, तो फिर से ये वाला पार्ट इस तरह हो जाएगा और ये फिर से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फूड ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और लास्ट में फूड ओएसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, हमारे स्टोमक में पहुँच जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, ओएसोफेगस की। ओएसोफेगस क्या होता है, ओएसोफेगस एक माउथ से निकली फेरिंग्स से होती है एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, जो जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 इंच होती है या 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है, जो माउथ को हमारे स्टोमक से कनेक्ट करती है। फूड टेक अबाउट 4 to 8 सेकेंड एज इट, और फूड जो है ओएसोफेगस से पास होने में 4 से 8 सेकेंड तक का टाइम लेता है। और यहाँ की जो वॉल होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वेवी मूवमेंट अभी हमने दिखाया था ना, इस तरह से
मूवमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रोपेल्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है, फूड को प्रोपेल्स यानी धक्का दे करके नीचे की तरफ भेजता है, ठीक है। लिक्विड स्लो डाउन नीचे धीरे धीरे कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। और स्टोमक से जहाँ से ये जुड़ा होता है स्टोमक में, वहाँ पर एक कह सकते हो वॉल लगा होता है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, और वहाँ पर ये फूड को पहुँचा देता है कौन, ओएसोफेगस, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक यानी ओएसोफेगस, ठीक है। फूड यहाँ से आया बोलस, और इस तरह से देखिए वेवी फॉर्म में है ना। अब जैसे ही ये फूड यहाँ पहले यहाँ पर था, आगे बढ़ा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ताकि फूड जो है आगे की तरफ ईजिली मूव कर जाए। अब ये वाला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, फिर ये आगे जाएगा तो फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से वेवी फॉर्म में रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हुए फूड आगे की ओर मूव करता है और पहुंचा दिया जाता है कहाँ, हमारे स्टोमक में, ठीक है। अब स्टोमक क्या होता है, स्टोमक देखिए यहाँ पर दिख रहा है जे शेप स्ट्रक्चर होता है स्टोमक ना, तो जे शेप स्ट्रक्चर होता है, इनर फोल्ड्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर काम क्या होता है, जो बोलस कंट्स और ग्राइंड बोलस जो आता है स्टोमक में, उसको और छोटे छोटे पीसों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। फूड इज़ मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस, और साथ ही साथ स्टोमक में फूड में गैस्ट्रिक जूस को मिक्स किया जाता है, जिसमें क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो खाने को गलाने का काम करता है, साथ ही साथ कुछ एंजाइम होते हैं जो कि उसमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन सब को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, स्टोमक की जो वॉल होती है, ठीक है, मान लो कि ये स्टोमक है, स्टोमक की वॉल से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। HCL क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है खाने के साथ मिल करके, ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्टोमक में देखिए ओएसोफेगस है फर्स्ट वेव, देखिए यहाँ पर भी वेविंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो माउस में फूड आया था लुगडी, जिसको बोलस बोला गया था, स्टोमक में उसी फूड को क्या बोलते हैं, काइंड बोलते हैं, ठीक है। जब इसमें गैस्ट्रिक जूस और HCL मिल जाता है, यहाँ पर देखिए और सॉलिड काइम को और डिसॉल्व किया जा रहा है, मोर फ्लूइड काइम और इसको डिसॉल्व कर दिया गया। यहाँ पर देखिए पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर था, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। इस तरफ कौन सा स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, और आगे की तरफ ये जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इस तरह से स्टोमक की वॉल से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, इसकी वॉल से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है और HCL सिक्रीट होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस और HCL होते हैं फूड को और डिसॉल्व कर देते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कि फूड जो है ड्यूडेनम में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होता है, ओके।